राम राम सभी भाइयों को। तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल यादव इन यूरोप में। जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक पे बना रहा हूँ। जी हाँ गाइज, मैं जो है आप सभी लोगों को अलर्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो इस साल अभी जो पिछले महीना है, पिछले महीने में बहुत सारे जो वीज़ा हैं एम्बेसी जो है रोमानिया की इंडिया में दिल्ली में ज़्यादातर वीज़ा रिजेक्ट ही कर रही है। वो बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं और अपने नेपाल के, इंडिया के तो है ही हैं, तो बहुत सारे बंदे जो हैं मेरी वीडियो देखते हैं। तो ज़्यादातर जो अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है बहुत ज़्यादा वीज़ा वगैरह जो हैं रिजेक्ट हो रहे हैं, एंड कुछ बंदों का जो है पाकिस्तान से भी है, लेकिन मैं वो बात तो सेपरेटली अलग वीडियो में करूँगा, क्योंकि ये मैं थोड़ा अलग सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बट जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी के लिए है। मैं जो वीडियो है, वीडियो का जो टॉपिक है, जैसे थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे गाइस, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ गाइस यहाँ का जो टेम्परेचर के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर जो ठंड है बाकायदा बहुत ज़्यादा ठंड है, जो टेम्परेचर जो है यहाँ का माइनस में जाने लगा है। तो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स वगैरह हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आ रहे हैं, कुछ डिलीवरी का काम करने के लिए आ रहे हैं। बकाया गाइज मैंने एक वीडियो डिलीवरी और कंस्ट्रक्शन के ऊपर और बेल्डर्स की सैलरी के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया 1 लाख आप कैसे कमा सकते हैं। अगर गाइज आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है तो आप वॉच कर सकते हो, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एंड जो अभी मौसम है बहुत ही ठंड है यहाँ पे माइनस में, जैसे कि मैंने बताया टेम्परेचर माइनस में जा रहा है। जो मेरा पर्पज़ है वीडियो बनाने का, वो पर्पज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे बताना, मेरे को बताना है यहाँ पे जो बंदे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है यहाँ पे, जो जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो कपड़े बहुत ज़्यादा लेके आएं और मेडिसिन साथ में लेके आएं। वैसे आप यहाँ पे आके भी कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, एक्सपेंसिव है। ये बंदा मैं तो क्या है, मेरे को तो यहाँ पे 3 साल हो गए हैं, तो मेरे को मैं तो एडजस्ट करता हूँ, मेरे का जो मेरा बॉडी है, जो मेरा बॉडी का टेम्परेचर सारा मेरा फिक्स है इधर, मतलब मेंटेन रखता हूँ। तो मैं 3 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे को गर्मी ठंड तो मेरे को इतना नहीं फील होता, वैसे भी मैं इंडिया से हूँ तो अपने इधर गर्मी तो काफ़ी पड़ती है। एंड ये जो भाई है इसको अभी लगभग 1 महीना 2 महीने हुए हैं इसको लगभग, एंड ये कह रहा है भाई बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये खबर हम जो है इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं अपने माइनस में जा रहे थे, तो ये भाई बोला कि यहाँ पे ये जो है मैं भी बंदों को बताता हूँ जिससे बंदों को पता चले। वैसे मैंने वीडियो तो बहुत सारी बनाई है टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, मे भी अभी दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च तक पड़ता है, एंड तक मार्च के बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। एंड कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पड़ना भी जल्दी हो जाता है, जैसे ब्रासो में बहुत जल्दी स्नोफॉल होता है। एंड गाइस जो इसके अलावा मैं बता रहा था, और जो सामान जैसे कपड़े के अलावा जूते वगैरह हो गए वो लेके आए, मेडिसिन साथ लेके आए, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन मैंने जैसा कि बताया था वीडियो में कि जो आपका काम वगैरह है, जैसे आप जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तब तक आप जो ट्रीटमेंट होता है, मान लो आप यहाँ पे आए और आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है और हेल्थ कोई प्रॉब्लम होती है तो ट्रीटमेंट का सारा पैसा आपको खुद पे करना होता है। तो यहाँ पे आने से पहले कुछ मेडिसिन साथ लेके आएँ, क्योंकि जब आप आते हो तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर जब चेंज होता है पूरा मौसम चेंज होता है, क्योंकि तुम अपने दूसरे मौसम माहौल से आए हो, यहाँ का माहौल दूसरा है, तो टेम्परेचर तो बॉडी मेंटेन नहीं कर पाता है कभी कभी, तो क्या होता है आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीमारी बुखार जाड़ा हो जाता है। तो मेडिसिन साथ लेके आए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड कपड़े वगैरह साथ में लेके आए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 70% ठंडी ठंड रहती है, ये अंदर कांप रहा है मुझे पता है इसका। और इसके अलावा जो जैसे और अदर चीज़ हो गई आपको कपड़े के साथ साथ, जैसे खाने का कुछ ट्रेडिशनल मसाले वगैरह हो गए वो भी साथ में लेके आएँ, यहाँ पे मिलते हैं बट बहुत ज़्यादा महंगा है, जो 1 रुपये की चीज़ है वो लगभग 40 रुपये में मिलेगी, इतनी महंगी चीज़ है, तो यहाँ पे महंगाई तो है ही है।